कृषि लाभकारी सूक्ष्म जीव जैसे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, स्फूर घोलक जीवाणु, नील हरित काई आदि को छत्तीसगढ़ की विभिन्न जगह की मिट्टियों और पौधों से निकाला गया। इसके बाद प्रयोगशाला, ग्रीन हाउस और खेतों में अनुसंधान द्वारा तुलनात्मक अध्ययन से सर्वोत्तम प्रभेदों का राज्य के किसानों हेतु चयन किया गया है। इनका विभिन्न कृषकों के खेतों पर परीक्षण और प्रदर्शन भी किया गया है। फलीदार दलहनी और तिलहनी फसलों का लगभग 80% तक नत्रजनीय पोषण राइजोबियम जीवाणु के द्वारा पूरा हो जाता है। छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में ग्रीष्मकाल में अत्यधिक तापक्रम और गोबर खाद, कंपोस्ट खाद जैसे जैविक पदार्थों के कम उपयोग से राइजोबियम सहित अन्य सभी फसल लाभदायक सूक्ष्म जीवों की संख्या में भारी कमी होना पाया गया है। ऐसी परिस्थितियों में इन फसल लाभदायक सूक्ष्म जीवों के उत्तम कल्चर को सही विधि द्वारा पौधों के जड़ में पहुंचाया जाना लाभप्रद होता है। कृषकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला स्फूर जनित उर्वरकों का 75 से 90% तक भाग मिट्टी में अघुलनशील दशा में बदल जाता है। इस अघुलनशील स्फूर को फसलों को उपलब्ध कराने हेतु स्फूर घोलक जीवाणु अर्थात PSB कल्चर का प्रयोग किया जाता है, जिससे फसल की उपज में 3 से 10% तक की वृद्धि होती है। स्फूर उर्वरकों की बढ़ती कीमतों और मिट्टी के बढ़ते अघुलनशील स्फूर स्तर को प्रयोग में लाने हेतु स्फूर घोलक जीवाणु और स्फूर वाहक माइकोराइजा कल्चर का प्रयोग लाभप्रद होता है। एजोटोबैक्टर जो मिट्टी में स्वतंत्र रूप से निवास करता है, यह जीवाणु नत्रजन के अतिरिक्त फसल को वृद्धि कारक हार्मोन्स देता है, जिससे फसल की उत्तम वृद्धि होती है। यह फसल के बीजों के अंकुरण और जमाव पर अच्छा प्रभाव डालता है। ये जैव उर्वरक सब्जियों, गेहूं, सूरजमुखी आदि फसलों के लिए उत्तम जैव उर्वरक हैं। धान और अन्य फसलें जिन्हें जल भराव या अधिक नमी युक्त भूमि में उगाया जाता है, उन्हीं के लिए एजोस्पाइरिलम कल्चर का प्रयोग किया जाता है। यह फसल को 20 से 25 किलोग्राम तक नत्रजन प्रति हेक्टेयर देता है। इसके प्रयोग से 10% तक फसल की उपज में वृद्धि प्राप्त की जा सकती है। धान के लिए नील हरित काई एक आदर्श कल्चर है, जो धान को 25 से 30 किलोग्राम तक नत्रजन प्रति हेक्टेयर प्रदान करता है। साथ ही 8 से 10 क्विंटल उच्च गुणवत्ता वाला जैविक खाद खेत में देता है। इसके उपयोग से 10% तक उत्पादन में वृद्धि होती है। इसे धान की रोपाई अथवा ब्यासी के 5-6 दिन बाद 5 से 6 सेंटीमीटर स्थिर पानी में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मिट्टी आधारित नील हरित काई कल्चर या 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नील हरित काई मदर कल्चर का उपयोग सीधे बुआई वाले फसलों हेतु कल्चर से बीज उपचार उत्तम पाया गया, जबकि धान सहित सभी रोपाई वाले फसलों में जड़ उपचार मृदा उपचार से उत्तम पाया गया। ऊंची भूमियों में एजोटोबैक्टर की क्रियाशीलता उत्तम, जबकि जल भराव वाले खेतों में एजोस्पाइरिलम की उपयोगिता ज्यादा अच्छी पाई गई। क्षार उत्पादक एजोस्पाइरिलम जीवाणु कल्चर की 100 गुना तक वृद्धि हेतु इसे गोबर खाद के साथ उपयुक्त नमी और 35 डिग्री सेल्सियस तक ताप पर गीले पत्ते या जूट के गीले बोरे से ढककर छाया में 1 सप्ताह रखें। ये अम्लीय मिट्टियों में सुधार हेतु उत्तम खाद है। अम्लीय मिट्टी में दलहनी फसलों को लगाने हेतु कवकनाशी और राइजोबियम कल्चर से बीजोपचार के बाद 3 से 6 ग्राम चूने के पाउडर का कोटिंग प्रति किलोग्राम बीज में करना लाभदायक पाया गया है। जैविक खाद निर्माण हेतु धान पैरा मशरूम अवशेष का उपयोग लाभदायक सूक्ष्म जीव के साथ करने पर जैविक खाद निर्माण अवधि को 1 माह तक कम किया जा सकता है। दलहनी फसलों के बीजों का राइजोबियम और PSB का सूडोमोनास स्ट्रिएटा कल्चर का संयुक्त उपचार का प्रभाव अकेले कल्चर की तुलना में अच्छा पाया गया है। जल भराव रहित खरीफ और रबी फसलों में सूडोमोनास स्ट्रिएटा PSB कल्चर का प्रभाव बेसिलस पोलिमिक्सा और बेसिलस मेगाटेरियम से ज्यादा अच्छा पाया गया, जबकि पानी भरे हुए खेतों में बेसिलस पोलिमिक्सा और बेसिलस मेगाटेरियम उपयुक्त पाया गया। तिवड़ा के राइजोबियम को PSB कल्चर के साथ उपयोग से पोषक तत्वों के अतिरिक्त सूखा रोग के जनक कवक का नियंत्रण संभव है। ट्राइकोडर्मा कल्चर के उपयोग धान फसल अवशेष का शीघ्र सड़न के साथ साथ चने में सूखा रोग नियंत्रण हेतु उत्तम पाया गया। खेतों में हरी काई नियंत्रण हेतु हरी काई गुच्छों का व्यास 10 मिलीमीटर से कम हो, इस प्रारंभिक अवस्था में नीला थोथा के 0.05% घोल का छिड़काव
प्रभावी होता है। माइकोराइजा कल्चर के उपयोग से अचलायमान तत्व जैसे स्फूर और सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ जल की उपलब्धता पौधों के लिए बढ़ती है। इस कल्चर का 1.5 से 2.5 किलोग्राम मात्रा को बीज के साथ नर्सरी में सीधे प्रयोग करें, जो 1 एकड़ खेती हेतु रोपाई हेतु उपयुक्त होती है। सीधी बुआई वाली फसलों हेतु 6 से 10 किलो कल्चर को बीजों के साथ मिलाकर 1 एकड़ खेत में उपयोग किया जा सकता है। इसके प्रयोग से लगभग 4 से 6 किलो स्फूर की बचत प्रति एकड़ के हिसाब से की जा सकती है। जैव उर्वरकों के उपयोग हेतु कई विधियां हैं। बीजोपचार हेतु 5 से 10 ग्राम कल्चर प्रति किलो बीज, मृदा उपचार हेतु 1 से 2 किलो कल्चर प्रति एकड़ और जड़ोपचार हेतु 300 ग्राम कल्चर प्रति एकड़ का उपयोग करें। केचुआ खाद निर्माण मॉडल का निर्माण किया गया है। जैविक पदार्थों के अपघटन हेतु 3 व्यवस्थाएं हैं, जो कि केचुआ, बाहर से जीवाणु निवेशन और मृदा में उपस्थित स्थानीय सूक्ष्म जीव। इस मॉडल में केचुओं को चींटियों से बचाव हेतु त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट टैंक के नीचे चारों ओर पानी भरा हुआ नाली निर्माण, टैंक के मध्यम ऊंचाई पर सस्ता ग्रीस का एक पट्टी हाथ से बनाया और टैंक के नीचे चारों ओर प्राकृतिक चींटी प्रतिरोधक पदार्थों का छिड़काव करना, चने की बुआई के 45 दिन बाद एक निंदाई मिट्टी में फसल लाभकारी सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ाने में सहायक है। फलीदार वृक्षारोपण हेतु अच्छी गुणवत्ता वाली पौध प्राप्त करने हेतु राइजोबियम और PSB कल्चर से पौध जड़ उपचार या मिट्टी उपचार लाभदायी पाया गया है। जैविक खेती के 3 मुख्य अवयव जैविक उर्वरक, जैविक खाद और जैविक व्याधिनाशी, इनका प्रयोग जल, थल, नभ में प्रदूषण रहित वातावरण, मृदा स्वास्थ्य रक्षा और कम लागत से अधिक फसल उत्पादन के लिए अत्यधिक लाभप्रद है। समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन में भी जैविक खाद और जैविक उर्वरकों के प्रयोग से न केवल मृदा की उच्च उर्वरा शक्ति और उत्पादन क्षमता टिकाऊ रहती है, बल्कि कम लागत से अच्छा गुणवत्ता वाला अधिक कृषि उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।